चेन्नई में बारिश से 269 लोगों की मौत। जायजा लेने के लिए पीएम हुए रवाना। राजनाथ ने सदन में हालात पर दी जानकारी। हेलीकॉप्टर से गिराए जा रहे फूड पैकेट। राहत कार्य बारिश बनी रोड़ा। शैलजा के मुद्दे पर बैकफुट पर आई बीजेपी। पीयूष गोयल ने सदन में जताया खेद, लेकिन नहीं मानी शैलजा। संघ प्रमुख भागवत के बयान के बाद फिर राम मंदिर पर छेड़ा महाभारत। शिवसेना ने कहा बताई जाए तारीख। कांग्रेस का वार, वोट बैंक की सियासत कर रही सरकार। आईएसआईएस का भारत के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान। मोदी को बताया नंबर वन दुश्मन। पूरी दुनिया में ऑपरेशन चलाने का किया ऐलान। जनलोकपाल बिल पर अन्ना हजारे से मिले प्रशांत भूषण। कहा अन्ना ने बताई केजरीवाल सरकार के बिल में कमियां। मिले सरकार की कैबिनेट ने अन्ना के सुझावों को दी मंजूरी। और एयरसेल मैक्सिस डील की जांच में चिदंबरम के बेटे क्रांति के खिलाफ मिले कई और सुराग। अब फेमा के शिकंजे में भी फंसेंगे कीर्ति। नमस्कार, मैं हूँ शाहिदा। नमस्कार श्री राधे, मैं हूँ आचार्य सचिन शिरोमणि। आचार्य जी, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ आप सभी का भी स्वागत है कल, आज और कल में, क्योंकि आज का ये विषय हम लेकर आए हैं बेहद ही खास, क्योंकि आपका बहुत ही करीब विषय है, हमारा भी विषय है। बात करेंगे कटु वचनों की। जी हाँ, एक वो लफ्ज ही होता है जो कहीं भी किसी के भी दिल में आपको उतार सकता है, और एक वो लफ्ज ही होता है जो आपको कहीं भी किसी के दिल से उतार सकता है। एक शब्द का खेल है, और फिर देखिए या तो मेल ही होता है या फिर सब कुछ बिगड़ जाता है। आपके द्वारा निकले हुए शब्दों की मार कोई व्यक्ति भूल नहीं सकता। हाथ की मार भूली जा सकती है, शब्दों की मार भूली नहीं जा सकती है, लेकिन ये लगाम कैसे लगाई जाए? क्यों आपके ऊपर नियंत्रण नहीं रह पाता है जब आप किसी को कुछ कहने जा रहे होते हैं? ऐसे ऐसे शब्द और बात आप कह जाते हैं, बाद में पछतावा भी होता है, लेकिन तब तक तो बात हाथ से निकल चुकी होती है, सामने वाले का दिल दुख चुका होता है। अगर ऐसा कुछ आपके साथ चल रहा है या आपके अपने आपके साथ कर रहे हैं, तो आज का कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए है ये। और ये एक एक उपाय शोध के बाद आचार्य जी लेकर आए हैं। चलिए जानते हैं आचार्य जी से कि क्या है उपाय इसके और ये विषय क्या है। आचार्य जी, ये जो कटु वचन है जी, क्या ग्रहों से संबंध रखते हैं? क्या है इससे जुड़ी ये जानकारी पूरी? बिल्कुल शाहिदा जी, जो आज का विषय है बहुत खास विषय हम लेकर आए हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और खुद भी शीतल होए। अर्थात जब आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, शब्दों का चयन करते हैं बोलते वक्त, आपकी वाणी से मधुरता निकलनी चाहिए, लेकिन उसमें कैसे कर्कशता आ जाती है? क्या ऐसा आपकी वाणी के अंदर उस समय बैठ जाता है जब आप अपनों से ही वार्तालाप करने लगते हैं? कुछ ऐसे शब्द तीर की तरह उनके दिल पर जो है घात कर जाते हैं, वो हमेशा के लिए याद रहते हैं। जैसा कि शाहिदा जी ने बताया कि हाथ की मार आप भूल सकते हैं, लेकिन वाणी के निकले हुए जो शब्द हैं वो कभी भी वापस नहीं आते। तो आज हम बहुत शोध के द्वारा आपको बताने वाले हैं कि कैसे कुंडली का कौन सा भाव पीड़ित हो जाता है, कौन सा पर्टिकुलर जो ग्रह है वो पीड़ित हो जाता है, और उसका महा उपाय आज हम आपसे आपको बिल्कुल बचाने के लिए लेकर आए हैं कि कैसे आप ऐसी वाणी ना बोलें और दूसरों को जो है शीतल वाणी का ही करके प्रयोग दिखाएं। और साथ ही साथ आज आपको बता दें, हम महिलाओं के लिए आज सुरक्षा का बहुत मां खास उपाय लेकर आए हैं, क्योंकि आज काल भैरव अष्टमी है। इस प्रयोग को करिएगा, हमारी माताएं बहनें हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगी। और साथ ही साथ होगा आपका अपना सीक्रेट नंबर भी, जो आपको रखना है सबसे छुपा के। बस ये सारी जानकारी होगी कुछ ही देर में आपके सामने, लेकिन जैसे कि हमेशा शुरुआत की जाए उस खास स्तुति के साथ जिसके सुनने मात्र से ही आपके तमाम कष्ट दूर हो जाएंगे। बात कर रहे हैं दिव्य स्तुति की, आइए सुनते हैं सबसे पहले दिव्य स्तुति।
मित्रों आज की महादिव्य स्तुति, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि आज काल भैरव अष्टमी है और जैसा कि नवग्रहों के अंदर सूर्य भगवान ही सब देवताओं को प्रकाश देते हैं, उनका कैसे आपको स्मरण करना है, आंख बंद करिएगा और ध्यान करिएगा। ओम आदि देव नमस्तुभ्यम प्रसीद मम भास्करम दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकरम नमस्तुते। अर्थात जिस प्रकार आप भगवान सूर्य का ध्यान करते हैं और जब सूर्य अपनी रोशनी से सारे अंधकार को दूर कर देता है, ठीक उसी प्रकार इसके सुनने मात्र से ही आपके घर का, आपके परिवार का जो नकारात्मक प्रभाव है बिल्कुल दूर हो जाता है और सूर्य भगवान की कृपा जरूर आपको प्राप्त होती है। दोस्तों बस कुछ ही देर में हम आपको बताने वाले हैं कि कुंडली के माध्यम से और साथ ही साथ ग्रहीय कारणों के जरिए आपके जो वाणी का प्रभाव होता है आपके कार्यस्थल या फिर आपके घर में किस प्रकार से काम करता है, बहुत ही खास जानकारी है। लगातार हमारे साथ बने रहिए, लेकिन उससे पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। गुवाहाटी से हमारे साथ लक्ष्मी जुड़ी है। लक्ष्मी जी स्वागत है आपका। हेलो जी लक्ष्मी जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार आचार्य जी। नमस्ते श्री राधे। श्री राधे मुझे अपनी बेटी के बारे में जानना है जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 20 मार्च 2006 जी। हाँ सुबह 9:03 AM। जन्म स्थान भी बताएं। हाँ गुवाहाटी आसाम नॉर्थ ईस्ट जी। हाँ हेलो जी जी बताइए। हाँ उसका सेहत और पढ़ाई लिखाई के बारे में जानना था। सेहत और पढ़ाई लिखाई के बारे में जानना चाहती है लक्ष्मी जी। कुंडली क्या कहती है आचार्य जी? बिल्कुल आपको बता दें कि सबसे पहले हम आपको आज बताना चाहेंगे कि इनका जो स्वास्थ्य है थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन हम ये कहेंगे आपको घबराना नहीं है। आज काल भैरव अष्टमी है, छोटा सा आप एक प्रयोग करिएगा, ये आपको बता देते हैं। इनके द्वारा किसी भी गरीब इंसान को, किसी भी गरीब व्यक्ति को, वो महिला हो सकती है, कोई बुजुर्ग हो सकते हैं, उनको हो सके तो गर्म कपड़ों का दान आज ही के दिन करवाइएगा और हो सके तो इनके हाथ से थोड़ा सा भोजन भी आज जरूर दान कराइएगा। और आज जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि काल भैरव अष्टमी का पर्व है, तो किसी श्वान को अर्थात किसी डॉग को जो है इनके हाथ से थोड़ा सा भोजन भी डलवाइएगा, लाभ जरूर दिखेगा और आने वाले भविष्य के अंदर किसी तरह से कोई स्वास्थ्य में बिल्कुल परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी कुंडलियां और कुछ बताते हैं ऐसे ग्रहों के बारे में जो आपकी वाणी का प्रभाव आपके कार्यस्थल या फिर आपके घर में अलग अलग तरीके से करती हैं। चलिए सबसे पहले हम कुंडलियां देखेंगे और फिर बाद में जानेंगे ग्रहों के बारे में। मित्रों हम सबसे पहले आपको ऐसी कुंडली दिखा रहे हैं। इस कुंडली में आप देखिएगा कि किस तरीके से वहां पर द्वितीय भाव के अंदर बुध ग्रह विराजमान हो जाते हैं और शनि और राहु के द्वारा वो जो है पीड़ित हो जाते हैं। द्वितीय भाव का जो कारक होता है वाणी होती है, वाणी जो है वो बुध का कारक है। लेकिन आपको हम बता दें कि यहां पर द्वितीय भाव के अंदर जब द्वितीयेश और द्वितीय भाव का स्वामी अर्थात द्वितीयेश और स्वयं द्वितीय भाव बुध ग्रह पर राहु और शनि का यदि पापी दुष्प्रभाव हो जाए तो देखिए ये भाव और भावेश और कारक तीनों ही पीड़ित हो जाते हैं। जातक जो है अपनी वाणी पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं रख पाता, वो कहता कुछ है निकलता कुछ है और सामने वाला जो व्यक्ति है वो समझता कुछ है और ऐसा जातक अभद्र भाषा का भी बहुत निरंतर जो है प्रयोग करने में ले आता है और जिससे वो निंदा का पात्र बन जाता है। लेकिन आपके यदि जन्मांक में ऐसा कोई जो है योग बना हुआ है आप बिल्कुल मत घबराइएगा। हम इन दोषों के बाद आपको बताएंगे कि कैसे प्रयोग के द्वारा आप जो है इस महादोष से बच सकते हैं और अपनी वाणी के अंदर कर्कशता को हटा के मधुरता बिल्कुल ला सकते हैं। आचार्य जी आप कहीं महा उपाय की बात तो नहीं कर रहे हैं? जी ये महा उपाय जो आपकी वाणी को मधुर बनाएगा और जब वाणी मधुर होगी तो रिश्ते खुद ब खुद मधुर हो ही जाएंगे। कुछ ही देर में होगी जानकारी, लेकिन उससे पहले बात करेंगे आज के लकी कॉलर से। चलिए सबसे पहले उन्हें नंबर लगाते हैं। तो आज के लकी कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताइए। नमस्ते मैडम। नमस्कार पंडित जी, आपको कोटि-कोटि प्रणाम। श्री राधे। श्री राधे भैया। पंडित जी मैं मुजफ्फरनगर जिले से बोल रहा हूँ, मेरा नाम रोहन है जी। रोहन जी कैसा लग रहा है आपको लकी कॉलर बन के? मैम जी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैम जी हम आपका प्रोग्राम 2 साल से देख रहे हैं मैम जी, और कितने दिनों से फोन लगाने की कोशिश कर रहे थे पर लग ही नहीं रहा था। वो इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि आपको लकी कॉलर बनना था और आज आप बन ही चुके हैं, तो किसके बारे में जानना चाहेंगे? मैम मैं अपने बारे में जानना चाहूंगा। डेट ऑफ बर्थ बताइए रोहित। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर जी 1997।
जी समय बताइए। समय 6:30 सुबह के। जी। और स्थान है मुजफ्फरनगर। जी रोहन। हेलो। जी जी बिल्कुल आगे बढ़िए, सवाल पूछिए। मेरा सवाल है मैम, मैं 10th क्लास में हूँ, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, मैं कब तक पढ़ूंगा? जी ये तो बहुत ही बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि पढ़ाई में मन लगना बहुत जरूरी, 10th क्लास है चार जी। जी बिल्कुल, आप भैया थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान लगाइएगा, लेकिन जन्मांक हमारे सामने आपका आ गया है, वृश्चिक लग्न का आपका जन्मांक। और सबसे पहले आपको बता दें कि आपके जन्म लग्न के अंदर ही बुध देव का विराजमान होना। देखिए इस समय आपका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा होगा, क्योंकि लग्न के अंदर शनि की जो है गोचर चल रहा है, और बृहस्पति की महादशा शुक्र की अंतरदशा। और आपको बता दें यहाँ पर जो आपका बृहस्पति है पंचमेश, नीच का होकर त्रिक भाव अर्थात तीसरे भाव के अंदर मंगल और शुक्र के पापी प्रभाव के अंदर आ चुका है। लेकिन आपको करना क्या है ये आपको बता देते हैं, आप अपने मस्तक पर सबसे पहले तो केसर या हल्दी का नित्य तिलक करना आरंभ कर दीजिए। कम से कम 5 वीरवार तक आपको 5 हल्दी की साबुत गांठ, और कम से कम हो सके तो 50 ग्राम या फिर आधा किलो सरसों आपको किसी मंदिर में दान करनी होगी, और 5:15 से 7:15 रति तक का आपको एक पुखराज धारण करना होगा। देखिएगा इस छोटे से प्रयोग के बाद आपकी पढ़ाई के अंदर भी आपका मन लगेगा, लेकिन एक उपाय हम आपको और बता देते हैं, वो सभी बच्चे करें, अपने माता पिता के चरण स्पर्श नित्य करिएगा, देखिएगा किस तरीके से आप पढ़ाई में अव्वल आने लगेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब आपको बताते हैं कि वो कौन से ग्रह हैं जो वाणी के जरिए आपके रिश्ते खराब कर देते हैं। चलिए एक नजर डालेंगे कुंडली पर और उसके बाद जानेंगे ग्रहों के बारे में भी। मित्रों हम आपको बताएं कि कौन से ऐसे भाव और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपकी वाणी के द्वारा अपनों से ही रिश्ते खराब कर लेते हैं। देखिए कुंडली के माध्यम से हम आपको बताएं, क्योंकि द्वितीय भाव ही हमारा वाणी का कारक होता है। यदि यहां पर सूर्य मंगल और बुध की युति हो जाए और इस पर शनि और राहु की दृष्टि पड़ जाए, देखिएगा किस तरीके से जो है आप अपनी वाणी से बिल्कुल एक तरह से जहर उगलना शुरू कर देते हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप करते हैं कि बिल्कुल तीखे बाणों के द्वारा जो है आप किसी को भी घायल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि द्वितीय भाव में सूर्य मंगल बुध पर यदि राहु और शनि का दुष्प्रभाव आ जाए तो आप ऐसा ही करते हैं, अपने ही रिश्तों को स्वयं अपने द्वारा तोड़ देते हैं। और ऐसा जातक जो होता है कटाक्ष करने में सब पर माहिर होता है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा निंदनीय हो जाता है, उसकी बहुत ज्यादा निंदा होने लगती है, हर बात बात पर वो किसी ना किसी माध्यम से वो कटाक्ष करने लगता है, दूसरों का जो है अहित भी ऐसा बालक कभी कभी सोच लेता है। लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है, महा उपाय ऐसा खास है, फीडबैक हमें अवश्य चाहिएगा kal2pm@liveindia.tv पर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उपेंद्र से, स्वागत है आपका उपेंद्र जी। नमस्कार। श्री राधे श्री राधे। जी आप थोड़ा नेटवर्क एरिया में आके बात कीजिए उपेंद्र जी, आपकी आवाज बहुत कट रही है। हाँ जी हाँ जी उपेंद्र बोल रहे हैं जी, अपने 6 सितंबर 2006 साल बता दीजिए। हाँ जी 2006 जी, टाइम है 12:35 तक जी, होशियारपुर जी, होशियारपुर बेटी के विषय बारे में। हाँ जी उसके पढ़ाई के विषय जाएगी, पढ़ाई के विषय में जाना चाहते हैं जी। बिल्कुल आपको बताते हैं भैया, जो आपने जन्मांक हमें दिया है वृश्चिक लग्न का जन्मांक, पंचम भाव के अंदर राहु का बैठना और चंद्रमा जो है यहाँ पर मकर राशि में है। देखिए सबसे पहले आपको बताएं चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित हो रहा है शनि की तीसरी दृष्टि, यहाँ पर मन थोड़ा सा जो है यहाँ पर चंचलता मन के अंदर बढ़ जाएगी, राहु की महादशा बृहस्पति की अंतरदशा। देखिए सबसे पहले आपको बताएं यहाँ पर प्रत्यंतर दशा भी राहु की लगी हुई है, 2 जनवरी 2016 के बाद ही इनकी पढ़ाई में किसी न किसी तरह का आपको जो है बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन करना क्या है ये भी आप देख लीजिए, एक छोटा सा उपाय करवा दीजिएगा, 5 जरूरतमंद बच्चों को इनके हाथ से पुस्तकें दान अवश्य कराइएगा, थोड़ा लेखन सामग्री का दान करा दीजिएगा और मस्तक पर केसर अवश्य लगाइएगा। और चलिए यहां पर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की, अभी फौरन हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।
बंदर देखा, हाथी देखा, बारा सिंघा और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा, पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा, महाकाल मंदिर में पूजा फोटो खींचा जाके ओरछा, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका, पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीम बेट का, ट्रेन की चुक चुक सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा, सांची की शांति में खुद के अंदर झांक देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल, The heart of incredible India, मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और जैसा कि आज बात कर रहे हैं कटुवाणी के बारे में, कटु शब्द जो कहीं ना कहीं झंझोर कर रख देते हैं रिश्तों को। जी हाँ, सबसे पहले वार जो होता है रिश्तों पर ही होता है कटु शब्दों का। इन पर कंट्रोल कैसे किया जाए, क्या कुछ होंगे महा उपाय, हम लगातार आपको बता रहे हैं। आचार्य सचिन शिरोमणि जी हमारे साथ हैं जो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। बस कुछ ही देर में हम बात करेंगे खास सीक्रेट नंबर के बारे में भी, लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं आपसे हैं हम में। आज आपसे हम में क्या है आइए जान लेते हैं। जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। नारी तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। और आज बात होगी आपकी सुरक्षा के बारे में। जी हाँ, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, छोटी बच्ची हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं या आप स्वयं हैं, आपकी जिम्मेदारी हमारी है और ये सुरक्षा होगी आपके नाम 24 घंटे के लिए। आइए जानते हैं आपकी सुरक्षा आपसे हम में। बिल्कुल, हमारी माताएं बहनें आज कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर इस महाप्रयोग को करिएगा, हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि हमारी माताओं बहनों और बिटिया की जिम्मेदारी हम सब की है। देखिए आज करना क्या है आपको, ये देख लीजिएगा। 7 पीली सरसों के दाने आपको प्राप्त करने हैं, बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे, और सर से आपको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर इसको बस बाहर फेंक दीजिएगा। आज ही के दिन ये करिएगा, काल भैरव अष्टमी का महापर्व है, आप 24 घंटे के लिए, हम तो ये कहेंगे हमेशा के लिए आप सुरक्षित हो जाएंगे। और चलिए अब आपको बताते हैं कि वाणी दोष के चलते आपके शत्रु कैसे बन जाते हैं, क्या कुंडली के कोई योग होते हैं जो ऐसा आपसे करवाते हैं या कोई ग्रह कारण बनते हैं, आइए डालते हैं नजर इन पर। मित्रों फिर आपको बता दें, हमारी माताएं बहनें भी ये चीज को नोट कर लीजिएगा कि कई बार ऐसे शब्द आप झूठ सच करने लगते हैं, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं कि दूसरे के आगे आपकी स्थिति जो है बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। लेकिन यहां पर हम आपको कुंडली के माध्यम से भी बताना चाहेंगे, यदि द्वितीय भाव के अंदर शनि और बुध की युति हो जाए और चंद्रमा यदि सस्तस्थ हो जाए अर्थात छठे भाव में बैठ जाए, तो यहां पर देखिए दुष्प्रभाव आने लगता है। ऐसा जातक झूठ सच का बहुत ज्यादा सहारा लेने लगता है, वैसे तो सभी छोटा मोटा तो चल जाता है लेकिन बहुत ज्यादा यहां पर दुष्प्रभाव आने लगता है। क्योंकि ये क्यों होता है ये भी आपको बता दें, द्वितीय भाव का कारक जब बुध द्वितीय भाव में शनि के साथ युति करे तो वो पीड़ित अवस्था में हो जाता है, झूठ बोलकर ही अपनों को जो है वो शत्रु बना लेता है। यदि द्वितीय और चंद्रमा छठे भाव में आठवें में या बारहवें घर में भी युति करने लग जाएं, तो ऐसा जातक अपनों की ही नजर में स्वयं बुरा बनने लग जाता है, उसको खुद नहीं पता होता कि वो किस तरह की वाणी का प्रयोग कर रहा है। लेकिन आज का महा उपाय हम ऐसा लेकर आए हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप फीडबैक अवश्य दीजिएगा, बहुत शोध के द्वारा आज आपको बताने वाले हैं कि इस तरह के दुष्प्रभाव को आज आप बिल्कुल दूर कर पाएंगे। चलिए मुंबई से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी है कंचन, उनसे बात करते हैं। कंचन जी स्वागत है आपका। जी हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून मैडम। वेरी गुड आफ्टरनून, प्रणाम गुरु जी। श्री राधे, श्री राधे जी, श्री राधे। मैं बॉम्बे से बात कर रही हूँ, कंचन बात कर रही हूँ मैं।
मैं मेरी छोटी बहन के लिए बात करना चाहती हूँ। जी बताइए। एक्चुअली उसकी अभी एक साल पहले उसकी शादी हुई थी, बट उसकी शादी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। मैं उसकी डिटेल्स बता रही हूँ आपको। 9/11/2015 जी 6:52 ये आप 2015 कौन सी तारीख बता रही हैं? जी अभी की, अभी धनतेरस को मेरे बच्चा, मेरी छोटी बहन है, छोटी बहन की बेबी बॉर्न हुआ है, तो मुझे उसके उस पर से मतलब उन दोनों का डाइवोर्स होगा कि क्या होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम। नहीं आप इतना नेगेटिव मत बोलिए, अब जरूर अच्छा कुछ होगा। आप वो जो बेटी हुई है उनकी कुंडली से जानना चाहती है? हाँ जी, उनकी कुंडली से जानना चाहती हूँ मैं। जी एक बार दोबारा बताइए। हाँ 9/11/2015 जी जी समय बताइए। 6:52 जी शाम के और जनता पूना पुणे। हाँ तो ये माता पिता का दोनों का जो अलगाव बच्चे की कुंडली से जानना चाहती हैं। जी एक्चुअली क्या हो रहा है, उनका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, और अभी मेरे पियर वाले भी मतलब मेरे अंकल जो है, एक्चुअली मुझे भाई भी नहीं है और मेरे पिताजी भी नहीं है, मेरे अंकल ही सब कुछ देख रहे हैं। तो अभी अंकल ने बताया है कि अपन छोड़ देंगे करके, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं, आप नेगेटिव मत सोचिए। सबसे पहले तो रिश्तों को सुधारने की हमें हमेशा पहल करनी चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहले आपको बताएं जो बिटिया का जन्मांक है, जो सुपुत्री इनके घर में जन्मी है, बहुत ही अच्छा इनके कुंडली के अंदर योग है। चंद्रमा और मंगल का राज लक्ष्मी योग इनके पंचम भाव के अंदर, लेकिन आपको अभी बता दें कि वृश्चिक लग्न के अंदर जो है शनिदेव का गोचर हो रहा है, और सप्तम भाव के अंदर भी वृश्चिक राशि ही यहां पर बन पा रही है, लेकिन मंगल की महादशा शनि की अंतरदशा, तो इसलिए इनके पिता को भी कहिएगा। यदि देखिए सबसे पहले हम आपको बताएं, आप फैमिली को बचाने का प्रयास करिए, नेगेटिव बिल्कुल ना सोचिए, नकारात्मकता आज से ही इस पर्व पर आप निकालकर अपने मन से बाहर फेंकिए। आज किसी काल भैरव मंदिर में आप जाइएगा या किसी भी भैरव मंदिर में जाइएगा, वहां पर एक रोट बनता है, आप वो बनवाइएगा, आपने घर में भी बना सकती हैं, और काल भैरव को उस पर सिंदूर रखकर जो है आपको अर्पण करना है। देखिएगा किस तरह का जो यहां दुष्प्रभाव बना हुआ है, बिल्कुल भैरव बाबा की कृपा से दूर हो जाएगा, और किसी जरूरतमंद इंसान को आज दूध का दान अवश्य करवाइएगा। और बहुत जरूरी होता है वाणी पर भी कंट्रोल करना, क्योंकि इस तरीके के जो अलगाव होते हैं उनका जो ज्यादातर आंकड़ा हमने देखा है, जांचा है, परखा है आचार्य जी भी जी। और वो वाणी ही रहता है, तो वाणी पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, उसमें सुधार लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही नाजुक रिश्ता होता है, तो कटु शब्दों का इस्तेमाल ना करें, मधुर रिश्ता बन जाए। चलिए महा उपाय सबके लिए आपके लिए। मित्रों हमने आपको जन्मांक के योग बताए, कैसे कैसे आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कैसे अपने ही आपके स्वयं बुरे बन जाते हैं, लेकिन महाउपाय आपके पास, आप बिल्कुल फीडबैक हमें दीजिएगा, कागज कलम लेकर इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है ये देखिए, किसी भी राधा कृष्ण मंदिर में आपको जाना है और वहां पर पीले आसन पर आपको बैठना है। एक देसी घी का दिया प्रज्वलित करिएगा, मधुराष्टकम, इस चीज को नोट कर लीजिएगा आप, मधुराष्टकम जो है आपको वहां पर बैठकर 5 बार इसका पाठ करना है, ठाकुर जी का ये पाठ है, और हर सोमवार या गुरुवार को इस प्रयोग को आपको दोहराना है। ये आप एक बार करके ना छोड़िएगा, एक बारी में आपको 5 बार ये पाठ करना है, और सोमवार और वीरवार के दिन आपको इसको दोहराना है। अपने हाथ से गौ माता को आज के दिन ही प्रथम बनी हुई रोटी पर थोड़ा सा दही शक्कर रखकर आपको खिलाना है, और मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक आपको नित्य करना है। लेकिन एक छोटी सी बात और, अपनी बहन को आज ही के दिन कुछ ना कुछ आप उपहार दीजिएगा, देखिएगा कैसे आपकी वाणी के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, और जैसा ठाकुर जी का जब आप मधुराष्टकम का पाठ करेंगे तो वाणी में कहीं ना कहीं ठाकुर जी की कृपा से मधुरता आ ही जाएगी। और दिल्ली से शशि जुड़ी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे, स्वागत है आपका। हेलो जी। हाँ जी, बेटे के बारे में पूछना था। जी बिल्कुल बताएं। जी जी जी, उसका जन्मदिन है 10/12/55 पे जी, 10/11/1993 जी जी, 10/12/55 जी जी, समझ गए, समय बताइए। दिन शुक्रवार। स्थान, जन्म का स्थान? हाँ जी, जन्म स्थान दिल्ली। सवाल? हाँ जी, प्रश्न पूछिए जी। प्रश्न ये है कि बेटा ना थोड़ा पता नहीं गलत रास्ते पे चल रहा है, कुछ सही नहीं चल रहा, उसकी पढ़ाई वढ़ाई कैसे चलेगी, और वो क्या सही रास्ते पे चलेगा, अच्छा बनेगा, कैसे उसका भविष्य जानते हैं। जी बिल्कुल बताएं, जो आपके सुपुत्र हैं उनकी कन्या राशि है और सिंह लग्न का इनका जन्मांक, लग्न जो है
वहां से चतुर्थ भाव के अंदर शनि का गोचर, राहु और मंगल की युति पहले से ही चतुर्थ भाव में बनी हुई है और चंद्रमा पर इस समय राहु का गोचर। देखिए इस 30 जनवरी के बाद ही आपके सुपुत्र में थोड़ा सा सुधार आना शुरू हो पाएगा, लेकिन यदि आप चाहती हैं कि यह सुधार तीव्र गति से आए तो इसके निमित्त आपको बता दें उनको 5.5 से 7.5 रत्ती तक का एक राहु भीषा यंत्र पहना दीजिएगा और हो सके तो उनका वजन कराइएगा और वजन के बराबर तुलादान अवश्य कराइएगा। देखिए फर्क आना शुरू हो जाएगा और किसी भी मंदिर में या किसी जरूरतमंद इंसान को उनके हाथ से भोजन अवश्य कराइएगा। और चलिए बिल्कुल अब जान लेते हैं आप सबका सीक्रेट नंबर। दोस्तों आज सीक्रेट नंबर तो है लेकिन आप उसको बिल्कुल हिडन रखिएगा और थोड़ा सा साझा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। मूलांक 1 वाले नोट करें, 111 नंबर आज आपका सीक्रेट नंबर रहने वाला है। बारी आ गई मूलांक 2 की, 21 नंबर रहेगा आज आपका बहुत खास सीक्रेट नंबर। और मूलांक 3 यानी कि 92 नंबर रहेगा आपका सीक्रेट नंबर। नोट करिए, ध्यान से नोट करिएगा, मूलांक 2 वाले नोट करें 21 नंबर को और मूलांक 3 वाले नोट कर लें 92 यानी कि 92 नंबर को। बारी आ गई मूलांक 4 की, 103 नंबर, मूलांक 3 वालों ने नोट कर लिया होगा अपना नंबर 92। मूलांक 4 की बारी आ चुकी है, 103 नंबर रहेगा बहुत खास सीक्रेट नंबर। मूलांक 5 23 नंबर नोट करें सीक्रेट नंबर पर। मूलांक 6 की बारी आ चुकी है, 33 नंबर यानी कि 33 नंबर रहेगा बहुत खास आज सीक्रेट नंबर। मूलांक 7 आ चुका है, 91 नंबर नोट करें अपने सीक्रेट नंबर पर। मूलांक 8 की बारी आ चुकी है, वो भी नोट करें 17 नंबर। और मूलांक 9 यानी कि आखिरी मूलांक बारी आ गई है 81 नंबर, 81 नंबर रहेगा बहुत खास सीक्रेट नंबर। लेकिन आज इसका प्रयोग थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, ये आपको बता देते हैं। आज आपको क्या लेना है, एक आग का पत्ता लेना है, हल्दी के द्वारा उस पर इसको लिखना है, हल्दी के या फिर पीले किसी धागे की सहायता से इसको आप बांध के अपने पास रख लीजिएगा। 24 घंटे भरपूर फायदा उठाइएगा मित्रों, और साथ ही साथ वेरी नेक्स्ट से सुबह आप इसको अर्पण कर दीजिएगा किसी तुलसी के वृक्ष की जड़ में। आचार्य जी आज की जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे, श्री राधे। आज के कार्यक्रम बस इतना ही, अभी देखिए फिलहाल आप कल दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की झलक। अभी दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। मैंने अपने चेहरे के लिए ये भी बदली, वो भी बदली, हर कॉस्मेटिक क्रीम बदली, पर मेरे चेहरे का असली लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट हुआ रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम से। क्योंकि इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण, ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ, सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया, डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की।